जैसा कि आप लोगों को बताया, ये 2025 के लिए हमने प्रिपरेशन चालू कर दी, बट आई थिंक इसकी कहीं ना कहीं हमें बहुत जरूरी ये समझना है कि इतना बड़ा सिलेबस, इतना वास्ट सिलेबस होने के बाद भी हम कैसे अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करें, कैसे हम अपनी जो टॉपिक्स है उसके ऊपर ग्रिप बना पाए। सो बच्चा, बेसिकली हम यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं जो लास्ट ईयर पेपर हो चुके हैं, यानी लास्ट ईयर्स में 2022-23-24 की जो ईयर्स में पेपर हुए हैं, उस पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं यहाँ पर आपके सामने ये इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आऊँ, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स को लेकर के, तो कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड हमें अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर इस बात का ध्यान रखना है कि किस कौन सा टॉपिक हमें बहुत 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 ज्यादा अच्छे से कंप्लीट करना, ऑल्दो सारे सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना, बट आई थिंक ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके। तो चलिए भाई बात करते हैं, बट उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड सेशन के एंड तक बने रहना, बिकॉज ये आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत 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 सारी क्लैरिटी लेकर के आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द सीयूटी 2025, इज इट। चलिए सबसे पहले बात करेंगे ये सेशन आप लोगों के लिए क्यों जरूरी होने वाला है, इस सेशन को अटेंड करके इस सेशन के थ्रू आपको क्या मिलने वाला है। तो बच्चा, ऑल दो हम अगर बात करें तो जैसे आप अपना सिलेबस देखते हो, बहुत सारे चैप्टर्स देखते हो उसके अंदर, बट द थिंग इज कि क्या सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट क्या सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है? तो आप बोलोगे नहीं सर, इक्वली नहीं। तो उसमें से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूं, एक बड़े से पेज में अगर चार बातें इंपॉर्टेंट होती है तो आप चार बातों को हाईलाइट कर लेते हो, वैसे ये सेशन के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरे चैप्टर्स में से कुछ चीजें जो आपकी हाईलाइट होने वाली है वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन से चैप्टर्स हैं। तो चलिए बच्चा बात करते हैं, अपने बड़े से सिलेबस को कंप्रेस करते हैं एंड थोड़ा सा यहां पर पूरा क्लासिफिकेशन करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, क्या सबसे सर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से रहेंगे हमारे सीयूटी 2025 के लिए? अगर आपने 2023-24 का एनालिसिस पूरा कर लिया है तो आप हमें यहां पर बता दो। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, देखिए यहां पर फटाफट फास्ट अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए, तो हमने बोला सबसे पहले तो भाई नेशनल इनकम, ऑब्वियस है, नेशनल इनकम से हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन नेशनल इनकम से पूछा जाता है। तो 2025 के लिए भी नेशनल इनकम की जो पूरी की पूरी सीरीज है, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देन द नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये वाली जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट से काफी क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड द थिंग इसकी डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन एंड द थिंग ऑफ लाइक, अब अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेकर के, तो वो सारी चीजें ही आप लोग को यहाँ पर कंप्लीटली पढ़नी होती है, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने पीओपी से। आगे बात की जाए बच्चा डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आप सबको पता है बच्चा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम एज वेल एज डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चैप्टर्स में बहुत सारा बहुत 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 सारा इंडिविजुअल टॉपिक्स है, इज इट। और इतने सारे टॉपिक्स होने के बाद इसमें क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज्यादा लाइक क्वेश्चंस क्रिएट करने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी इतने सारे एरियाज हैं जहां पे क्वेश्चंस को क्रिएट किया जा सकता है। तो भाई ये चीजों के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। देन बच्चा डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि जब अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के लास्ट यूनिट की जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं, द थिंग इज की सिंपल सा थॉट अबाउट डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, एंड द थिंग इज की अगर हम बात करें कि कई कंपैरिजन तो उस सिनेरियो में वो सारे टॉपिक्स हम यहां पर कवर अप करने, बट द थिंग इज की जो इंडियन इकोनॉमिक एट द इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 से 1990 तक कैसे हमारी इकोनॉमी पूरी डेवलप करी है, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये टॉपिक्स हैं, एंड द थिंग इज की माइक्रो भी यहां पे मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं कि माइक्रो के दो चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, इससे भी 5 से 7 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी हाईली रिकमेंडेड होगा ये सारे टॉपिक। एनीहाउ भी इसमें मेरा ये इंपॉर्टेंट कहने का मतलब क्या है कि इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डीपली आपको जाके डिस्कस करना है, गॉट इट? यानी एक भी टर्म अगर इसके अंदर आ रहा है और वो टर्म आपको नहीं पता है तो शायद उसी टर्म से क्वेश्चन आ जाएगा, एंड थिंग इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। सो हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एंड थिंग इसके क्यों, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है। देन बच्चा थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बट इंपॉर्टेंट बोलेंगे, गवर्नमेंट बजट से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉवर्टी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं बच्चा, क्यों? क्योंकि ऑल्दो 12th में इस चीज रिलेटेड है पॉवर्टी, तो उससे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है।
सो ये चीज आप कंप्लीट करिएगा फॉर द सीओटी 2025। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट देखे जा रहे हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट डिफरेंट फर्दर टॉपिक्स। तो यहां से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ये वाले टॉपिक्स को भी आपको कवर करना है, बिकॉज इसमें फ्लक्चुएशन है कि भाई 23 में बजट से ज्यादा क्वेश्चन थे, 24 में थोड़े से कम हो गए, बट ऑल दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट डिफरेंट फर्दर चैप्टर्स। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, यानी मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट कम है तो भाई इसमें से अपन क्या बोलेंगे कि कुछ भी मत पढ़ो। तो मनी इन बैंकिंग एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी रखा है बिकॉज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं, मैंने इंपॉर्टेंट में भी रखा है, यानी मैं इसको ऑल दो अगर आप बोलोगे सर दोनों में से क्या रखे तो हम लोग इंपॉर्टेंट में रखेंगे बिकॉज क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, बट द थिंग इज कि इतने ज्यादा आ रहे हैं कि इस बार चांसेस है 25 में थोड़ा सा क्वेश्चन कम देखने मिल सकते हैं, बट द थिंग इज कि पढ़ेंगे तो उसी अप्रोच से कि भाई इसमें जितनी चीजें हमारी क्लियरिटी होनी चाहिए। देन बच्चा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, ये जो एरियाज हैं ये थोड़े से कम यूज किए गए अगर हम बात करें अभी तक की, बट द थिंग इज की यहां से क्वेश्चंस भी इस साल बनने के चांसेस पूरे हैं। तो हमने क्या बात की, इतने सारे जो एरियाज थे, इतने सारे जो टॉपिक्स थे, इसमें अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा। तो ऑल दो कवरेज ऑफ सिलेबस की अगर हम बात करें तो पढ़ के पूरा जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो हमें छोड़ के जाना है। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि ये सारी चीजें पढ़ लो उसके अलावा सारी चीजें छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं, पढ़ना पूरा है। बट द थिंग इज की जब हम अपना रिविजन कर रहे होंगे या सपोज जब हम लोग सिंपल सी बात है अपने आप को रेडी करेंगे फॉर एग्जामिनेशन, तो कहीं ना कहीं इन टॉपिक की प्रेफरेंसेस एज कंपेयर टू डिफरेंट टॉपिक्स ज्यादा होनी चाहिए, यानी इस पे और ज्यादा मेहनत करो, बाकी पे तो करो ही करो, इस पे और ज्यादा मेहनत करो। सर इससे होगा क्या, इससे ये होगा बच्चा कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड थिंग्स की मैक्सिमम जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे अगर आपने यहां से डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो इकोनॉमिक्स में 200 पूरे लेकर के आने हैं, तो वो पॉसिबल है पूरा सिलेबस जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है वो पूरा सिलेबस आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। एंड द थिंग इसकी कुछ टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं इसके क्वेश्चंस पे आप लोग को ज्यादा कमांड रखनी है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करें ताकि एग्जाम में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करो और हर क्वेश्चन आपको फैमिलियर लगे कि हाँ यार मैंने इन टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं तो अब मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको आंसर करना। गॉट इट बच्चा। तो चलिए इसी तरीके से बच्चा अपकमिंग डेज में मैं बहुत सारे सेशंस आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपके 2025 पे एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें एग्जामिनेशन या प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करने वाले, एंड क्लैरिटी अगर होगी तो इट मींस कि आपकी कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। एंड सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, यहाँ पर हम बहुत सारी प्रिपरेशन भी करने वाले हैं, बट वो सारी प्रिपरेशन का आप पार्ट कब बन पाओगे, जब आप इस सेशन को यहाँ पे लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे एंड द थिंग इज कि इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सो ऑल दो बच्चा इन्हीं सारी बातों के साथ अभी इस सेशन को यहाँ पर फाइनली कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अपन बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल सेशन के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।